हेलो किसान भाई, इसी में बात करने वाले हम सापेक्ष बहार के बारे में। यह जो सापेक्ष बहार है, यह एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और इसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आप इसको कौन सी फसल में उपयोग कर सकते हैं, इसमें कौन कौन सी, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम आपको इनके इंग्रेडिएंट बता दें। इसमें मिलता है आपको जिंक मिल जाता है, निकल मिल जाता है, मरकरी, कॉपर, क्रोमोनियम, कोनिनियम, आर्सेन, आर्सेनिकल, हैवी मेटल कंटेंट, पेंथागन, कंडक्टिविटी अस, और इसका पीएच जो होता है, इसका जो पीएच मान होता है 5.6 से 7.5। और इसमें आपको बता दें, इसमें एनपीके भी होता है जो कि नेचुरल फॉर्म में होता है, और इसमें पोटास भी होता है, फास्फोरस भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑर्गेनिक कार्बन, ये जो सबसे ज़रूरी होता है फसलों के लिए, इसमें ऑर्गेनिक कार्बन भी होता है जो सबसे ज़रूरी है, बल्क डाइजेंटिटी, प्रैक्टिकल साइज, बाकी इसमें इस तरह के आपको मिल जाता है। इसकी खास अच्छी बात हम बता दें आपको, इसका जो पीएच है 6.5 से 7.5 के बीच है, जो अधिकतर फसलों के लिए इसी पीएच की आवश्यकता पड़ती है। मसूर की फसल के लिए, गेहूँ की फसल के लिए, मक्का की फसल के लिए, बहुत सी फसलों के लिए अच्छे फायदेमंद है। हमने इसको तीन फसलों में उपयोग किया है, मक्का में, गेहूं में और मसूर में, तीनों में इसका हमें अच्छा रिजल्ट मिला है। और अगर इसके कीमत की बात करें तो ये लगभग 550 रुपये में आपको 4 kg, 550 रुपये में 4 kg मिल जाता है। और चूंकि यह ऑर्गेनिक है, इसलिए आप अन्य प्रोडक्ट के साथ इसको उपयोग कर सकते हैं। हमने अपने एक खेत में 2 प्रोडक्ट उपयोग किया था, दानेदार फॉर्म में इस यूरिया के साथ इसका उपयोग किया था मक्के में, और स्प्रे फॉर्म में लिया था सागरिका लिक्विड। इससे हमारी अन्य खेतों की अपेक्षा उपज अधिक रही थी। और इसका अभी हमने वर्तमान में मसूर की फसल में उपयोग किया है, गेहूं की फसल में उपयोग किया है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं, परंतु यह थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। यदि आपको आप चाहें तो इसकी जगह कोई दूसरा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, परंतु ये भी एक अच्छा काम करता है। किसान भाइयों, इसको हमने अपनी मक्के की फसल में उपयोग किया था, जो कि हमने यूरिया के साथ प्रति एकड़ 1 थैले का उपयोग किया था, और स्प्रे हमने 2 बार सागरिका का उपयोग किया था। इसलिए हमारी अन्य खेतों की अपेक्षा इस खेत में अधिक उपज प्राप्त हुई थी, इसलिए हमने इसको अभी मसूर की फसल में और गेहूं की फसल में उपयोग किया है। मसूर की फसल में यह लाभ दिखा है हमें कि जो पानी की दिक्कत है, थोड़ा बहुत नुकसान होता है, उसको भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इसका पीएच को सामान रखता है और इसमें ऑर्गेनिक कार्बन भी होता है। किसान भाइयों, इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आप किसी अन्य प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं, चाहे वो सापेक्ष कंपनी का हो, जेयू कंपनी का हो, दमन कंपनी का हो, या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में, तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं।